हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पार्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए हम आवेदन कैसे करें, कैसे फॉर्म फिल करें, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं रेलवे से रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो आपको मिस ना हो। तो दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद के हूँ, जब मैं यहाँ पर लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के आएगा। तो यहाँ पर एक जो सबसे ऊपर एक कॉलम दिखेगा, आपको रो दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर क्या करना है कि आपको क्लिक करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको कोई भी आपको जोन चूज जो आप किए होंगे उस पर जाना है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने गोरखपुर से अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपकी योग्यता क्या है। जैसे अगर आपने ट्वेल्थ स्टैंड आपका अगर एज जो है सॉरी आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ट्वेल्थ है, तो आप ये ट्वेल्थ वाले पर करेंगे। या फिर आपका मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना कोई भी कम्युनिटी चेंज यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कर लिया आपने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क विकलांग पीडब्ल्यूडी व्यक्ति हैं, मतलब आपको कोई भी फिजिकली डिसेबिलिटी है कि नहीं है। अगर आप विकलांग या फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने अवेलेबिलिटी जाँची, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको किसी इस प्रकार का ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैंने गोरखपुर सेलेक्ट किया था, तो गोरखपुर सेलेक्शन करने के बाद जो मेरा जो एक क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से सारी वैकेंसीज दिख रही हैं यहाँ पर, जिसे मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे अपना चेंज करना है, कोई और अप्लाई करना किसी और बोर्ड से, तो यहाँ पर मैं नीचे आ सकता हूँ। जैसे यहाँ पर नीचे आने पर मुझे आरआरबी जो है किसी और बोर्ड का दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ दोस्तों। इसी तरह के सारे जितने भी दोस्तों जितनी आरआरबीज हैं सारी की अलग अलग यहाँ पे दिखाया रहा है और बोल रहा है यहाँ पर जैसे भोपाल का है। तो हमें क्या है कि गोरखपुर हमने सेलेक्ट किया है, तो गोरखपुर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई पे हमें क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारा ये जो अगला चीज़ है खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है बिफोर फिलिंग अप फॉर्म, तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं इसको। दोस्तों इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि क्या आपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसे पढ़ा कि नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मैंने मान के चल रहा हूँ कि मैं आप लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद ये भी बताया गया दोस्तों कि कैंडिडेट जो है कोई भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन अगर पाया जाता है उनका कोई भी एक से ज़्यादा या तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें ये भी बताया गया कि आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन चेंज एनी ऑफ द डिटेल मेंशन इन द एक्सेप्ट आरआरबी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो उसे ₹100 पे करना होगा जो नॉन रिफंडेबल है। और ये जो मॉडिफिकेशन है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो बार ही किया जा सकता है, और एक बार प्रयोग किए जाने वाला आरआरबी का चयन अंतिम और जोन भी जो है दोस्तों आखिरी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी वो नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ आवेदन की प्रक्रियाएं हैं जो स्टेप 1, 2, 3 करके ऐसे सारी चीज़ें दी गई है, जिसे मैं अभी करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है दोस्तों यहाँ पर। इसमें दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंसेस क्वालिफिकेशन है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो आप देख सकते हैं। तो ये सारी दोस्तों जो ऊपर की चीज़ें हैं इसी को मैं इसमें सारी चीज़ों को बताऊँगा अभी कैसे कैसे करना है। तो मान लीजिए हमने जो है इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद कि यहाँ आई डिक्लेयर डेट आई फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द देयर इन, और मैं सभी जो है नोटिफिकेशन को भली बात पढ़ाऊँ समझाऊँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, मैं सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर नेम भरना, मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, रमेश हो गया। इसके बाद फिर इनका नाम मान लीजिए यहाँ पर रमेश कुमार, सेम नेम दोस्तों फिर भरना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 मार्च 1995 डाल दिया। आधार के स्टेटस पूछ रहा है, अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिएगा। जैसे मैंने आई डोंट हैव आधार कार्ड यहाँ पे दे दिया। फादर का नाम मान लीजिए किसी का सुरेश है, सुरेश। मदर का नाम सुमन,
दोस्तों ये सारी चीज़ें में भरने के बाद जो है आपको अपना मैट्रिकुलेशन का डालना है। जैसे आपने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का डाल दिया आपने, और किस साल आपने पास किया, जैसे आप मान लीजिए 2010 में पास किया आपने, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डालना है। अगर मोबाइल नंबर भी आपने डाल दिया तो मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों जो है आपको फिर से कंफर्म करना है कि आपने मोबाइल नंबर जो है डाला है, क्या सही है। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों जब मान लीजिए मैं कुछ भी ईमेल आईडी डाल दिया, मैं तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डाल दूँगा यहाँ पर। दोस्तों कैप्चा को आपको कैप्चा भरने के बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का जैसे आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें एंटर किया वो सही है, और यहाँ पर जो मुझे भी अब कोई भी चीज़ बदलना नहीं चाह रहा हूँ, और अगर दोस्तों आपने सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अब सारी चीज़ें मैंने जो फर्निश किया दिया है डिटेल वो सही है और मैं कोई भी बदलाव नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर सबमिट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर नो पे जाकर के आपको चेंज करना है तो वो करेंगे। मान लीजिए मैंने आप सबमिट किया, यहाँ पर सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या है कि वेरीफाई करना है थ्रू OTP के माध्यम से। दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पर OTP को जो है अपना वेरीफाई किया। OTP वेरीफाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर उसकी OTP और जो आपका मोबाइल नंबर पे OTP है उसको डालने के बाद जो है हमने कैप्चा डाला C6D5V। जी हाँ दोस्तों, इसको डालने के बाद जो है हम ये देखेंगे कि अगला प्रोसीजर इसमें क्या है। दोस्तों जब आप यहाँ पर कैप्चा और अपना OTP जब फिलअप करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की आपकी रजिस्ट्रेशन एक आईडी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा जो है लॉगिन करना होगा, जिसे लॉगिन करने के बाद दोस्तों जिसे मैं बताना चाहूँगा कैसे अगले स्टेप जो है आपका। दोस्तों इसे लॉगिन करने के बाद जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन नंबर यहाँ पर डाला अपना, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं मान लिया डाल दिया अपना, उसके बाद दोस्तों अपना कैप्चा डालना है मुझे। दोस्तों इसे डालने के बाद जो है कैप्चा आप डालेंगे, इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार के आपके जो डिटेल्स आएंगे, डिटेल्स डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर जैसे मैंने ग्रेजुएशन लिया था, आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज भी डालने हैं 12th क्लास के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके 70% थे, 70% दोस्तों डालने के बाद जो है आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। OBC जैसे यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर मैंने सेलेक्ट किया, जिस कम्युनिटी के आप होंगे वो करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको इशूइंग डेट जो है आपका कब है, आपका जैसे किस राज्य के हैं, जैसे UP के हैं तो UP डाल दिया आपने। इसके बाद जिला आपने जैसे डाल दिया, कोई भी जिला आपने कानपुर डाल दिया, कन्नौज डाल दिया सपोज। इसके बाद दोस्तों आपकी जाति है, जैसे आप कोई भी कैटेगरी के हैं, जैसे कलवार हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मेल या फीमेल आप जो भी हैं, आपका जेंडर है आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको नेशनैलिटी सिटीजन आपको इंडिया डालना है। आपका रिलीजन जो है हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, या जो भी है आपको यहाँ पर। उसके बाद इसमें पूछा गया कि आप फिजिकली PW डिसेबल हैं तो नो, अगर डिसेबल हैं तो। अगर क्या आप पूर्व में सेवारत, इसके पहले आपने कोई जॉब किया है एक्स सर्विसमैन, अगर यस है तो यस, मैंने नो डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब में आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हैं इतने 80 से 1989 के दौरान तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। आर यू एम्प्लॉय इन स्टेट गवर्नमेंट, या अगर कोई आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसमें भी पूछा है दोस्तों यहाँ पर क्या रेलवे में पहले से आपने Group C या D के एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो अगर नो कर दीजिए, यस है तो यस। इसमें भी पूछा गया कि क्या आप
किसी रेलवे संगठन के काशी प्रशासनिक कार्यालयों में कर्मचारी हैं, क्या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आप ऑफिसर रह चुके हैं? तो दोस्तों जी है नहीं। इसके बाद लिखा गया क्या, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, क्या आर्थिक रूप से? तो दोस्तों यहाँ पर या आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि इसे सेव करने के लिए, सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाना कैसे, आपको बैंक पे जाना है। बैंक पे जाने के बाद आप पेमेंट करेंगे। आप पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने चूज किया बैंक डिटेल, यहाँ पर बैंक डिटेल दोस्तों चूज करने के बाद आप क्लिक हियर करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर अपना यूजर नेम या पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे करना है। दोस्तों इसी के करने के बाद आपको पेमेंट करेंगे आप, तो आपको क्या करना है कि उसके बाद आप अगेन जो है लॉगिन पे आएंगे। लॉगिन वाले पेज में जैसे मैं दिखाता हूँ जो जो कैसा रहेगा लॉगिन। जब आप पेमेंट कर देंगे दोस्तों तो वहाँ पर रीफिलिंग का जो ऑप्शन होगा, कैंडिडेट लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसे जब अगर रजिस्टर करेंगे या जो भी अगला स्टेप होगा दोस्तों उसमें क्या करना है आपको, अपना पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा। पोस्ट प्रेफरेंसेस में क्या करना है दोस्तों, आप जो भी 13 पोस्ट आएगी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर ग्रेजुएशन है, अदरवाइज आपकी 5 पोस्ट आएंगी 12th क्लास बेसिस पे। उसमें क्या करना है आपको दोस्तों कि आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंसेस है उसको 1, 2, 3 जो भी आपको जो अच्छा लगे, जिसमें मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, उसे आप पोस्ट प्रेफरेंसेस करने के बाद जो है आपको अपनी फ़ोटो, अपनी सिग्नेचर और जो भी अगर एससी एसटी कैंडिडेट के हैं उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको इसमें ये भी बताया गया है कि जो फॉर्मेट होगा आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा। जो आपका फ़ोटो होगा दोस्तों वो क्या है कि 20 KB से और 50 KB के बीच में होना चाहिए। जो सिग्नेचर है 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों इन सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद जो है आप वहाँ पर लिखेंगे कि अब जो भी चीज़ें मैंने दिया हूँ उसको डिक्लेरेशन भरने के बाद, आप फाइनल सबमिट करने के बाद जो है दोस्तों आप यहाँ पर अपना प्रिंटआउट जो है निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो उसे कमेंट करके बताइएगा, जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।